हेलो इंजीनियर्स, दिस इज प्रशांत। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया रोबोट डॉग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रोबोट डॉग एक्चुअली में किस प्रकार से आसानी से हम लोग घर पे असेंबलिंग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी है। तो ये रोबोट डॉग एक्चुअली मैंने खरीदा है petoi.com से। तो यहाँ पे जाके आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। ये एक्चुअली एक रोबोट डॉग भी आपको मिलेगा और एक रोबोट कैट भी मिलेगा। आप जो भी आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके आप आसानी से ये रोबोट डॉग या कैट को आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये रोबोट डॉग असेंबलिंग कर सकते हैं अपने घर पे। ltm.com, यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये जो सर्वो है, सभी सर्वो को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है। तो यहाँ पे जो पैर है उसको लगाने से पहले हम लोगों को इसको जो प्रोग्रामिंग आउटपुट करना होगा
और करने के बाद इसको कैलिब्रेशन भी करना होगा। कैलिब्रेशन मतलब इसको स्ट्रे रख के, इस तरह इसको स्ट्रे रखेंगे। रखने के बाद हम लोग इस पर सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे। तो सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये है यूएसबी एडाप्टर, इसको हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे। फिट करने के बाद यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से फिट करेंगे, तो ग्राउंड को ग्राउंड की तरफ और पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ लगा के इसको फिट करना होगा। करने के बाद हम लोगों को इस पर जो यूएसबी केबल है, यूएसबी केबल इस पर डालना होगा। तो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी यहाँ पे दे रखा है, तो वही हम लोग इस पर डालेंगे। डालने के बाद उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। प्रोग्रामिंग पे जाने के बाद जो पेटोई रोबोट जो है वो अपना खुद का प्रोग्रामिंग इस पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे जाके हम लोग इसको अपलोड कर सकते हैं। तो अभी चलिए इसको पहले हम लोग इसको अपलोड करके कैलिब्रेशन करते हैं, उसके बाद हम लोगों का इसको पैर को जो है पैर को हम लोग लगाएंगे। देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग करेंगे किस प्रकार से, इसके साथ एक रिमोट भी दे दिया है कंपनी ने, तो उसी रिमोट के साथ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अपने खुद का जो स्मार्टफोन होगा उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्टफोन एंड्रॉइड का भी होगा और अगर आईफोन का है वो भी चलेगा, दोनों पे ये सॉफ्टवेयर चलता है। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग आसानी से इसका काम कर सकते हैं। रिमोट से ज्यादा अच्छी तरह काम नहीं करता क्योंकि इसका सेंसर है, इसका सेंसर पीछे की तरफ है, तो सामने से अगर रिमोट को दबाएंगे तो अच्छे से काम नहीं करता। तो इसलिए हम लोगों को स्मार्टफोन से हम लोगों को इसको काम करना होगा। इसके अंदर जो ब्लूटूथ हमने लगाया है उसी ब्लूटूथ के माध्यम से हम लोग इसको ऑपरेटिंग कर सकते हैं। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं, इसको अलग से जगह पे जाके इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए टेस्ट करके इसको देखते हैं किस प्रकार से ये मूविंग कर रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे हम लोग एक रोबोट डॉग या रोबोट कैट को हम लोग असेंबलिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।